आज का जो वीडियो है तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हो एलिमेंट्स जो एप्लीकेशन है उसका जो पासवर्ड है, ठीक है, उसका जो पासवर्ड है तो किस तरह आप चेंज करके एक नया स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप किस तरह बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हो किस तरह आप चेंज करके एक नया पासवर्ड किस तरह आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हो, तो जैसे आप एलिमेंट्स एप्लीकेशन जैसे आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपका सामने इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका सामने इस तरह आ रहा है अभी इंटरफेस। तो आप देख रहे अकाउंट सेटिंग्स, तो आपको अकाउंट सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद देखिए आपका सामने इस तरह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देख रहे सेंस पासवर्ड, आप देख रहे सेंस पासवर्ड, तो उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका इस तरह देखने को मिलता है। अभी इसमें लिखा आ रहा है, तो अभी से इसमें जो करंट पासवर्ड कह रहा है, जब आप अकाउंट बनाया था एलिमेंट्स ऐप जब आप ओपन किया था, जब अकाउंट को आप बनाया था उसमें जो आप पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड आपको इसमें देना पड़ेगा। तो मैं जो पहले जब मैंने बनाया था उसका जो पासवर्ड है तो मैं इसमें दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो करंट पासवर्ड था तो मैं इसमें दे दिया, ठीक है। मेरा करंट पासवर्ड देने के बाद देखिए अभी इंटर टू न्यू पासवर्ड, ठीक है। तो न्यू पासवर्ड कह रहा है, तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप कोई भी पासवर्ड बनाते हैं, ठीक है, तो आपको मिनिमम आपको 8 कैरेक्टर्स आपको देना है। इसमें आपको कैपिटल देना पड़ेगा, स्मॉल देना पड़ेगा, उसमें नंबर भी देने पड़ेगा और स्पेशल कैरेक्टर भी देना पड़ेगा, तभी आपका जो पासवर्ड है एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, तो मे भी तो इसी टाइप का पासवर्ड मैं अभी देने वाला हूँ, तो अभी आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैं एक नया पासवर्ड मैं अभी बनाने वाला हूँ, इंटर टू न्यू पासवर्ड, तो मैं अभी पासवर्ड को देने वाला हूँ। तो इंटर टू न्यू पासवर्ड देने के बाद देखिए अभी री इंटर पासवर्ड, तो जो पासवर्ड मैंने इंटर न्यू पासवर्ड में दिया फिर से मैं जो पासवर्ड मैंने दिया वही पासवर्ड फिर से मैं इसमें देने वाला हूँ, तो री इंटर मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो जो मैंने दिया था वही पासवर्ड मैं इसमें दे देता हूँ। तो देखिए सब कुछ देने के बाद देखिए सेव, ठीक है। तो रिंटर में जो मैंने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड सेम मैंने दिया, देने के बाद देखिए सेव, आप देख रहे सेव, तो उसमें आपको क्लिक करना है। देखिए जो पासवर्ड चेंजेड सक्सेसफुली, जो मेरा जो पासवर्ड है तो सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो इसी तरह आपका जो पासवर्ड है आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी लॉगिन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ हुआ है कि नहीं। देखिए लॉगिन हो गया। तो इसी तरह आपका जो पासवर्ड है आप चेंज करके एक नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।